नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल में। मित्रों, हमारा पूरा प्रैक्टिकल का वर्जन खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी हम सोचे हैं कि आप लोगों को एक सेटअप बता दें कि किसी भी पेज को कैसे सेटअप करें, या फिर किसी भी हम लोग न्यूज़ पेपर हुआ, हमारा स्टूडेंट का पेपर हुआ, टेक्स्ट पेपर हुआ, हमारा कोई पेपर हुआ, उसको कैसे सेट करेंगे, हम लोग एक पेज को सेट कैसे करेंगे, ये पूरी जानकारी हम आपको देंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा, मजा आने वाला है। तो मित्रों, हम लोग बात करते हैं पेज सेटअप की। अगर हमारे पास इस तरीके से मैटर यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप सीधा समझिए कि मैटर हमें मिल गया है। अब इस मैटर को सेट करना है, तो कैसे कैसे हम लोग सेट कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन हमारा एलाइजिन का होता है। क्या होता है? एलाइजिन का होता है, जो कि मैंने पढ़ा चुका है पिछले वीडियो में। जो लोग नहीं देखे हैं, वो लोग जाके प्ले लिस्ट में एमएस वर्ड में जाके सारे वीडियोज को देख लें, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी आप लोग पेज सेट करना सीख लेंगे आज आप लोग, ठीक है। आज हम एलाइजिन की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम किसी भी सेलेक्ट को सेलेक्ट करें, किसी मैटर को सेलेक्ट करेंगे। जब मैटर को सेलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ ऑटोमेटिक शो करने लगा कि कौन सा एलाइजिन एक्टिवेट है। तो अगर हमें मान लीजिए कि राइट एलाइजन एक्टिवेट, लेफ्ट एलाइजन एक्टिवेट है, तो हम लेफ्ट एलाइजन करेंगे। अगर हमें मिडिल चाहिए या सेंटर चाहिए, तो सेंटर, और राइट चाहिए तो राइट। हमारे हाथ में होता है कि हम कौन से एलाइजन को उपयोग कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अगर हम इसको सेलेक्ट कर लिए हैं, और उसके बाद हमने क्या किया, लेफ्ट एलाइजन को जो है एक्टिवेट कर, तो हमारे जो चेंज, ऐसे हमारे पूरे मैटर जो हमारा ऐसे शो करेगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी चीज को बीच में कर दें, बीच में पूरा अगर हम कर दें, तो हमारा सेंटर होगा। तो देखिए, हमारे सारे मैटर सेंटर में हो गए। जो भी लिखाएगा आप सेंटर से लिखाएगा, देखिए लिखा रहा ना, जो भी मैटर लिखाएगा आप सारे सेंटर से लिखाएंगे ना, तो ऐसे होता है हमारा सेंटर एलाइजन होता है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपका। अगर हम बात करें राइट की, तो राइट यहां से दे सकते हैं। और सबसे अच्छा जो हमारा था जस्टिफाई होता है। ये क्या होता है, जैसे किसी भी मैटर को जब बढ़िया से हमें सेट करना होता है पूरे पेज में, तो हम जस्टिफाई का प्रयोग करके पूरा मैटर सेट कर सकते हैं। देखिए अब ये कितना अच्छा सा सेट हुआ, आप देख सकते हैं कि हमारे पूरे पेज को कवर करके एक लाइन में, एक एंगल में बना कर खूब बढ़िया से एकदम सजा के सारे वर्ड्स लिख दिया है। उसके बाद अगर हम बात करें, बुकलेट होता है, ये जो बुलेट्स होते हैं, बुलेट तो ये जो हमारे लगे हुए हैं, ये बुलेट्स है दोस्तों। अगर बुलेट को चेंज करना हो, तो हम यहाँ से देखिए ऐसा बुलेट्स दे सकते हैं, दे दिए कि नहीं दे दिए। उसके बाद हम चाहते हैं ये वाला बुलेट्स देना, तो ये वाला बुलेट्स, हम बुलेट्स को बड़ा भी कर सकते हैं। तो ये हमारे बुलेट्स होते हैं, आप बुलेट्स भी आराम से लगा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं है दोस्तों, ठीक है। फिर उसके बाद बचा बुलेट्स के अंदर आता है नंबरिंग, तो नंबरिंग भी आप दे सकते हैं। जो भी आपके पास ऑप्शंस है, अगर हमें इस तरीके से लिखना है, तो हम ये सब भी दे सकते हैं, एडिंग ऑर्डर करंट लिस्ट दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं, ये हम बताए हैं आप लोगों को। सबसे बड़ी सेटिंग मैं आपको बताता हूँ कि पेज लेआउट में हम लोग जाते हैं, कहाँ जाएंगे, पेज लेआउट में जाएंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से बॉर्डर, बॉर्डर हम लोग टेक्स्ट ले सकते हैं, शैडो, 3D कस्टम। तो मैक्सिमम लोग बॉक्स लेते हैं, बॉक्स में लेने के बाद हम लोग क्या आराम से बढ़िया एकदम जबरदस्त बॉर्डर दे सकते हैं। उसके बाद आता है वाटरमार्क। वाटरमार्क आप जानते हैं कि बैकग्राउंड स्टेज में हम लोग कुछ भी दे सकते हैं, कस्टम वाटरमार्क में जाके हम लोग बैकग्राउंड में कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास पिक्चर भी कोई भी अपडेट कर सकते हैं, और टेक्स्ट भी। तो टेक्स्ट जब हमें लिखना हो, तो हम लिख देते हैं यूनिक ग्रुप दोस्तों, क्या लिखेंगे, पूरा यूनिक ग्रुप लिख करके और ओके कर देंगे। देखिए यहाँ बैकग्राउंड में यूनिक ग्रुप आ गया है, पूरा यूनिक ग्रुप आ गया ना। तो इस तरीके से क्या है कि हमारा बैकग्राउंड में जो है वाटरमार्क आता है, पेज कलर भी दे सकते हैं। और सबसे अच्छी सेटिंग होती है हमारा जो होता है, ये मार्जिन होती है। मार्जिन की अगर हम बात कर लें, तो मार्जिन में जो हमारा होता है, वो इससे यहाँ से हम मार्जिन सेट करते हैं, नैरो, नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड। तो ये सब हम क्या कर सकते हैं, हमें नॉर्मल रखना है तो नॉर्मल में रख सकते हैं, नॉर्मल में, और पतला करना नैरो तो हम और पतला कर सकते हैं। देखिए हमारे पास कितना अच्छा लग रहा है। तो यहाँ से हम ओरिएंटेशन भी कर सकते हैं, इसमें प्रोटेंट में है पेज, तो हम लैंडस्केप कर देंगे, तो हमारा पेज इस तरीके से हो जाएगा और पूरी जगह खाली हो जाएगी, हम यूज़ कर सकते हैं। अपने पेज की हम साइज A4 ले सकते हैं, A5 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। अब मान लीजिए इन सब के कॉलम में से आप लोगों के एग्जामिनेशन में क्या होता है कि जो पेज सेटअप होता है, यहीं से होता है कि जो हमारे कॉलम्स होते हैं 1, 2, 3 होते हैं, और सारे ले सकते हैं, एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा कॉलम ले रहे हैं। तो यहां से हम क्या करेंगे, कॉलम में 3 कॉलम कर देंगे, तो ऑटोमेटिक जो हमारा मैटर है वो 3 कॉलम में हो जाएगा। देखिए हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। अब यहां से मैटर अगर हम कोई भी कॉपी करते, देखिए जो हमारा मैटर है ऑटोमेटिक 3 कॉलम में हो गया। अब इस कॉलम के बीच में अगर हमें लाइन देना है, तो हम लाइन बिटवीन कर देंगे, तो हमारे सारे कॉलम के बीच में लाइन आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है दोस्तों, ये है हमारा पूरा पेज सेटअप। उसके बाद अगर हम बात करें, बॉर्डर हो गया हमारा, लाइन स्पेसिंग होता है। क्या होता है, लाइन स्पेसिंग। अब जैसे मान लीजिए कि अगर हम इसकी बात कर लें, तो पहले हम अपने पेज को प्रोटेंट में कर लें, फिर हम लाइन स्पेसिंग की बात करते हैं। तो लाइन स्पेसिंग जो होता है, हम अपने बीच में लाइन 1.0, 1.15, 1.5, 2.0, 2.5,
3.0, ये सारे लाइन स्पेस दे सकते हैं, रिमूव लाइन स्पेस भी कर सकते हैं। अगर हम लोग रिमूव कर देंगे तो देखिए सारी लाइनें आपस में सट जाएंगी, सारी लाइनें आपस में आ जाती हैं। उसके बाद अगर हम लाइन स्पेस बढ़ाना चाहते हैं तो हम लोग लाइन स्पेस भी यहाँ से बढ़ा सकते हैं, 1.5 कर सकते हैं, 3 पॉइंट भी कर सकते हैं। देखें सारे पेजों में कितना डिफरेंस हो गया, सारे लाइनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, लाइन स्पेसिंग भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें इंडेंट की, किसकी बात करें दोस्तों, इंडेंट की बात करें, तो ये हमारा ऊपर होता है इंडेंट। जैसे मान लीजिए ये हमारा मैटर है, अगर हम इसको यहाँ कर दिए तो मैटर जो हमारा यहाँ से लिखाएगा, उस तरीके से देखिए हम इंडेंट का प्रयोग कर सकते हैं। जब कोई भी मैटर हमें लिखना हो तो हम अपने इंडेंट का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए इधर हम इधर भी कर सकते हैं और इसको इधर भी कर सकते हैं, तो हमारे पास ये ऑप्शन होता है। तो ये है हमारा पूरा पेज सेटअप, जिसको आप लोग सीख लें। बाकी आप लोगों को अगर कोई समस्या होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपके पूरे एक एक ऑप्शन, एक एक मेनू के बारे में बताएंगे। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हाँ जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लेंगे, धन्यवाद।